अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद कि आप सब खैरियत से होंगे। और सुबह का टाइम, नाश्ता रेडी हो रहा है, वहाँ पर पराठा पक रहा है, यहाँ पर बच्चों की फ्राइज बन रही हैं, और ये देसी घी है। मक्खन नहीं लगाया क्या? देसी घी मक्खन आनी जाना बस आनी। ये अंडे, मेरा नाश्ता लगा हुआ है टेबल पर। और मैं, आप लोगों को पता है कि मैं भूल जाती हूँ व्लॉग बनाना, तो मैंने एक दोने वाले लिए हैं। और ठंड बहुत ज़्यादा है, बच्चे देख रहे हैं टीवी, और ये देखें, ये मैंने कहा मैंने एक ने वाला लिया है, यहाँ से एक तोड़ा था। और ये है आमलेट, आमलेट का कीमा, अंडे का कीमा, ये सब कुछ यही है, पर सर्दी में जो मिल रहा है खा रहे हैं। गर्मियों में हमारी चाय जो है ठंडी ठंडी नहीं होती, तो इसलिए ये वाली जो प्याले हैं ये यूज़ करते हैं। अब इनमें चाय रखते ही ठंडी हो जाती है, तो बच्चे भी बार बार अपनी मम्मा से कह रहे हैं कि चाय ठंडी हो गई हमें दूसरी दे दें। इंसान वाकई किस हाल में खुश नहीं है। अजवा, आजकल तुम जो है ना दुआ सलाम करती हो कुछ भी नहीं, क्यों भला? बोल दिया ना, हाय कैसे हो, ठीक? हाय कैसे हो, चंगे भले? गला गला सिंधी गला है, सिंधी गला है भला? हाँ गला है। अरिश जो है सिंधी में बात कर रहा है कि मैं चंगा भला हूँ। आप मानी मानी खा दिया, मामी मानी मानी खा दिया। अरिश कह रहा है तो आप लोगों ने खाना वाना खाया है, यानी कि हम नाश्ते को खाना कह रहा है। सोच ले जी, बाकी भी खाना बहुत ठंड, नाश्ता ठंडा हो गया, फिर बाद में जो भी होगा शेयर करती रहूँगी। वेलकम बैक, मैं स्कूल से आ चुकी हूँ और बच्चे भी आ चुके हैं, नमाज भी पढ़ ली है। यहाँ पक रहा है दोपहर का खाना, और खाने में क्या है बेबी? आलू गोश्त। आलू गोश्त मैं तो नहीं खाने वाली। ये आलू गोश्त मटर दाली, मटर है, मटर छाल, मटर वन था असानी, आलू गोश्त और मटर, मटर में कम ही खाती हूँ। और ये है गुड़ वाले चावल, इनके ठंड बहुत है, इतनी हवा ज़बरदस्त चल रही है। और जूती कौन थी, चप्पल पाया? चप्पल पाया, स्लाइम डाल के चप्पल पाया, पोड़ी मुझे दबा कर बुद्धि जा नहीं ना, हली हो गई। चले जी, जब खाना पके, ये पानी मां रखी थी वहाँ, अरे ये कौन तोफी का थी दबरा, थाली बाली को धोई रखा से, अज मैं ढुकू पानी कौन पीतो आ अरे पानी वाले काम, तो तू बॉयल पानी कौन पीऊं। चले जी, अब बाहर धूप में थोड़ा सा बैठते हैं, मैं क्योंकि बात लेकर आई हूँ। और जी, मेरे बेटे की उस दिन से तबीयत ठीक नहीं है, इसको निकली है यहाँ चेस्ट पर छोटी सी गुठली निकली है, तो इसको बहुत तकलीफ़ है, दर्द है, तो इसके लिए दुआ करें कि जल्द ठीक हो जाए, इसका दर्द तकलीफ़ सब ख़त्म हो जाए। और ये दो दिन से ड्यूटी पर भी नहीं गए हैं, ना शॉप पर गए हैं, तो आज ये बैठे हुए हैं। तो मैंने कहा है इसको कि जाके बात बात लेकर आओ, ये आयल लगवाया है, मालिश करवाइए। वनवीन जी आवनी, और ये आते ही ये साइकिल पर माली तो कौन है, वे जा वो कौन चाहिए वो करे बनी यही से बेदफे घटा का पपे आ जाए बेदफे। और ये बस जब तक ये लान नहीं आती तो ये उजड़ा उजड़ा सा लग रहा है लान, बाकी तो फूल वगैरह सब कुछ निकले हुए हैं, वो देखें फूल मेरा पसंदीदा, ये बेल जो है। और हवा बहुत चल रही है, हद से ज़्यादा हवा चल रही है,
देखें तो सही। तो चले अंदर चलो हरीश, अंदर चलो। और अब हम बाहर खाना खा रहे हैं क्योंकि अंदर बहुत सर्दी है और कुछ लोग यहाँ नहा के भी बैठे हुए हैं। मेरी फातिमा को देखो कितनी क्यूट माशाल्लाह लग रही है। फातिमा जिगरो मुझे किथे आ हे दिसो है बठा क्या हुआ ये खाओगी? हाँ बहुत, और ये सालन कह रही मैं खाऊंगी, नाराज़ है। अब तो सलाम करो, अब सलाम करो। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हो व्यूवर्स? मेरी फातिमा का सलाम कबूल करें। हाँ पोनी दिखा रही है। चले जी खाना खाते हैं। हमें गांव के लोग तो ज़ाहिर ही है, हमें धूप पसंद है, सेहन पसंद है, तो इसलिए बाहर बैठकर खा रहे हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और जी ये आ गए हैं यहाँ पर मीठे चावल गुड़ वाले, और खाना तो हमने खा लिया ऊपर से मीठा, लेकिन ये गुड़ वाले चावल हाथ से खाएं तो बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार लगते हैं। और जी यहाँ पर हम गैस वाले हीटर की जो है नाकाम कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि गैस तो है नहीं, लेकिन सर्दी भी बहुत है तो क्या कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा सर्दी है। मेरे हस्बैंड इनको बना रहे हैं कि देखूं ये चल रहे हैं कि नहीं चल रहे, तो चले जी देखते हैं। यहाँ पर मेरे हस्बैंड कोशिश तो कर रहे हैं। सर्दी हमारे यहाँ ऐसी पड़ी है जैसे कोई ठंड को ऊपर से फेंक रहा है, ऐसी ठंड है। बंदा भुसरी भी कितनी खाए, गुड़ गुड़ वाले चावल भी कितने खाए। और जी ये है रात का खाना, ये पुलाव, और ये है रोटी और आलू फ्राई रायता। तो मैं और मेरा बेटा जो है पुलाव नहीं खा रहे हैं रात को, बेटे को जो है उसकी तबीयत ठीक नहीं है, और मुझे जो है चावल मैंने दोपहर में खाए थे तो रात को मुझे अच्छे नहीं लग रहे हैं अभी, तो इस वजह से। और ठंडे भी हैं, सर्दी है बहुत, इससे खांसी हो जाती है रात के टाइम में। तो वीडियो हमारी कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और दूसरी बात ये कि अब लेते हैं इजाज़त इसी ठंड के साथ, और अपना ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।